इस समय की बड़ी अपडेट आपके लेकर हम हाजिर हैं और आपको बता दें कि इस समय बीजेपी के प्रत्याशी डॉक्टर जितेंद्र सिंह 13,050 वोटों से आगे चल रहे हैं। पहले राउंड की जो काउंटिंग है वो समाप्त हो चुकी है और इस काउंटिंग के अगर रिजल्ट की अगर बात की जाए तो 13,050 वोट से डॉक्टर जितेंद्र सिंह आगे चल रहे हैं। लगातार जैसे ही सुबह से काउंटिंग का सिलसिला यहां पर शुरू हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह शुरू से ही यहां पर लीड बनाए हुए हैं और अब लीड बढ़कर 13,050 वोटों तक पहुंच चुकी है। उधमपुर लोकसभा संसदीय क्षेत्र की अगर बात की जाए तो यहां पर सुबह से ही कठुआ के डिग्री कॉलेज में यहां पर वोटों की गिनती जो है वो शुरू हुई है और इस गिनती के साथ ही डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो कि भाजपा के प्रत्याशी हैं वो शुरू से ही लीड यहां पर बनाए हुए हैं और अब लीड जो है वो बढ़कर 13,050 वोटों की हो चुकी है। कड़ी सुरक्षा के बीच गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कठुआ में यहां पर मतों की गणना जो है वो जारी है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम इस इलाके में किए गए हैं। इस जगह की अगर बात की जाए तो यहाँ से किसी को भी आगे जाने की अनुमति जो है वो नहीं दी जा रही है। कई जगह पर डाइवर्जन जो है वो लगाई गई हैं, जगह जगह पर रूट्स को डाइवर्ट किया गया है इस काउंटिंग की वजह से, क्योंकि किसी भी प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ना बने इसको लेकर जो है प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किए हुए हैं। और अभी तक की जो लेटेस्ट अपडेट जो है वो हम अपने दर्शकों तक पहुँचा दें कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह 13,050 वोट से आगे चल रहे हैं। उनके ठीक पीछे लाल सिंह जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार हैं वो 13,050 वोटों से पीछे चल रहे हैं। पहले राउंड की जो काउंटिंग है वो समाप्त हो चुकी है और डॉक्टर जितेंद्र सिंह पहले राउंड में 13,050 वोटों की लीड बनाए हुए हैं। कठुआ से सरबजीत सिंह, जेके मीडिया के लिए।